यदि 2024 में आपको राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो आपको NFS यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल के ऑफिशियल साइट पर आ जाना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट पर आ जाने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं सिटीजन कॉर्नर, उसके बाद नीचे में आप जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी। राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको खुद का ID पासवर्ड जनरेट करना होगा। उसके लिए आप यहां पर देख सकते हैं न्यू यूजर साइन अप हियर, एक रजिस्ट्रेशन का पेज खुल करके यहां पर आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट नेम डाल लेना है, लास्ट नेम आपको यहाँ पे डाल लेना है, देन डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद लॉगिन आईडी आप अपना यहाँ पे डालेंगे और चेक यूजर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ओके का साइन आ जाता है तो आप इसको अपना यूजर आईडी बना सकते हैं। देन पासवर्ड डालिएगा, पासवर्ड आप कुछ इस प्रकार से रख सकते हैं। देन आपको कन्फर्म पासवर्ड डालना है। वैलिडेशन मोड में आपको आधार आईडी के ऑप्शन पर क्लिक रहने देना है। आधार नंबर आपको यहाँ पे डाल लेना है, आधार कार्ड के साथ जो भी लिंक मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। ईमेल एड्रेस आप अपना यहाँ पे डालेंगे, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, तहसील कौन सा पड़ता है सेलेक्ट कर लीजिएगा, विलेज टाउन कौन सा पड़ता है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, एड्रेस डालिएगा, देन इसके बाद आप पिन कोड डाल लीजिएगा। इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पे डालेंगे, इन दोनों चेकबॉक्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं सबमिट। आपके आधार कार्ड से जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पे OTP सेंड किया जाएगा, OTP को आप यहाँ पे डालेंगे, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं सबमिट, देन रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटेड सक्सेसफुली, सिंपली ओके करेंगे। देन आपको वापस से इसी पेज पर आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन इन विद लॉगिन आईडी, तो जो भी आपने यूजर आईडी बनाया था वो आप यहाँ पे डालेंगे, पासवर्ड आप यहाँ पे डालेंगे, इस कैप्चर कोड को आप यहाँ पे डाल लीजिएगा, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन इन, देन आप इसके डैशबोर्ड पर सक्सेसफुली रिडायरेक्ट हो जाएंगे। न्यू राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी, देन यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा न्यू रजिस्ट्रेशन का, देन सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना होगा। स्टेट सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको कौन सा राशन कार्ड अप्लाई करना है, जैसे अंत्योदय और प्रायोरिटी हाउसहोल्ड, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। बेनिफिशियरी टाइप में आपको यहाँ पर राशन कार्ड सेलेक्ट कर लेना है, देन आपको एप्लीकेंट का पर्सनल डिटेल यहाँ पे डाल लेना है। सबसे पहले नेम, एज पर आधार आपको यहाँ पे डाल लेना है और उसी का नाम आपको हिंदी में यहाँ पर डाल देना है। मैंने अपना नाम यहाँ पर इंग्लिश में भी टाइप कर लिया है और लोकल लैंग्वेज यानी हिंदी में मैंने अपना नाम यहाँ पर टाइप कर लिया है। इसके बाद आपको अपना फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करना होगा। डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पर डाला है, ऑटोमेटिक एज यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ गया है। देन मदर नेम आपको यहाँ पर इंग्लिश में डालना है, हिंदी में आपको यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में डाल देना है, फादर नेम में भी सेम आपको इसी प्रकार से करना है, मार्शियल स्टेटस आपको सेलेक्ट कर लेना है, देन आपको यहाँ पर स्पाउस नेम यानी कि जिनसे आपका शादी हुआ है उनका नाम आपको इंग्लिश में यहाँ पर टाइप करना है, उनका नाम आपको यहाँ पर हिंदी में टाइप कर, नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट रहने देना है, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डालेंगे, ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे डालेंगे, देन ऊपर में आप जाएंगे जनरल डिटेल्स में आएंगे, वोटर कार्ड यदि आपके पास है तो वोटर कार्ड का नंबर आप यहाँ पे डाल लीजिएगा, NPR नंबर यानी नेशनल पॉपुलर रजिस्टर में आपका नाम है उसका नंबर आपको मालूम है तो आप डाल दीजिएगा, अदरवाइज इन दोनों को आप खाली छोड़ देंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपका मनरेगा कार्ड बना हुआ है तो इस चेकबॉक्स पर क्लिक कीजिएगा और मनरेगा कार्ड नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, यदि आपका ये नहीं बना हुआ है तो आप इसे खाली छोड़ दीजिएगा यानी अनटिक रहने दीजिए। आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, ये पूरा मैंडेटरी है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफेशनल डिटेल में आप कौन सा काम करते हैं, आप अपने कोड यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। एनुअल इनकम आपकी क्या है आप यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। एडिशनल डिटेल्स में आएंगे, यदि आपके पास पहले से कोई राशन कार्ड है तो उसका नंबर आप यहाँ पर डालिएगा। BPL नंबर यदि आपके पास है तो आप उसका नंबर यहाँ पर डालिएगा, यदि ये दोनों ही नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ दीजिएगा। नीचे आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेव एंड कंटिन्यू। देन एड्रेस के सेक्शन में आ जाएंगे तो सबसे पहले आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना है, इस प्रकार से आपका परमानेंट एड्रेस आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल लेना है। यदि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों ही सेम है तो इस चेकबॉक्स पर आप क्लिक कर लीजिएगा, आपका जो पूरा एड्रेस है यहाँ से मैच हो जाएगा। देन सिंपली आप देख सकते हैं सेव एंड कंटिन्यू। देन आप थर्ड ऑप्शन में आ जाएंगे यानी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर। जिस भी चेकबॉक्स पर आप क्लिक करेंगे आपको उसका डिटेल भरना मैंडेटरी होगा, यदि आपको वो डिटेल्स नहीं रहेगा तो आप उस पर अनचेक रहने दीजिएगा। तो सबसे पहले कास्ट कैटेगरी, यदि आप जनरल सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट डालने का जरूरत नहीं है। जनरल छोड़ करके आप किसी भी सोशल कैटेगरी को डालते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होगा। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउस टाइप, तो आपका घर कैसा है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। देन बैंक डिटेल्स में आपको क्लिक कर लेना है, यदि आपके पास बैंक अकाउंट है और आपको बैंक डिटेल यहाँ पर डाल लेना है। बैंक अकाउंट का नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, कौन सा बैंक है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, बैंक का ब्रांच कहाँ पर पड़ता है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, बैंक IFSC कोड यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसी प्रकार से
यदि आपके पास गैस कनेक्शन है तो इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और गैस कनेक्शन का कौन सा गैस है, सिंगल है, डबल है, जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। गैस कौन सा कंपनी का है वो सारा कुछ आपको यहाँ पर डाल लेना है। यदि आपके पास कोई भी गैस कनेक्शन नहीं है तो आप इस चेकबॉक्स पर अनचेक रहने देंगे। आप अपने नाम पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ले रखे हैं तो आपको इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर लेना है और उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पर डाल लेना है, जैसे कि कौन से कंपनी से लिए हैं और कंज्यूमर नंबर आपको डाल लेना है। यदि आपके पास से बिजली कनेक्शन नहीं है तो आप इसे अनचेक रहने दीजिएगा। यदि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आप इस चेकबॉक्स पर क्लिक कीजिएगा और किस प्रकार का कितना हैंडीकैप्ड आप है वो आपको यहाँ पर डाल लेना है। यदि आप नहीं है तो आप इस चेकबॉक्स पर अनचेक रहने दीजिएगा। यदि आपको किसी प्रकार का कोई बीमारी है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पर भरना होगा। भरने के लिए इस चेकबॉक्स पर क्लिक कीजिएगा, किस प्रकार का बीमारी है और कितना परसेंट है वो सब आपको यहाँ पर डालना होगा। नीचे में आप देख सकते हैं सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। देन फोर्थ ऑप्शन पर आप जाएंगे आरसी मेंबर, यानी कि आपके घर में जितना मेंबर है उनका डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना होगा। फिल करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड मेंबर, इसी प्रकार से जितना आपका मेंबर है आप ऐड कर लीजिएगा। देन नीचे में आप देख सकते हैं सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आप डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आ जाएंगे तो सबसे पहले आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर अपलोड करना होगा, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह सब आप अपलोड कर सकते हैं। देन आपको एड्रेस प्रूफ यहाँ पर अपलोड कर लेना है। जो भी आप फाइल अपलोड करेंगे उसका साइज 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसका फॉर्मेट PDF, JPG, PNG फाइल ही अलाउड है। दोनों डॉक्यूमेंट यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ को आप अपलोड करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेव एंड कंटिन्यू। देन NFSA क्राइटेरिया में आप यहाँ पर आ जाइएगा, जहाँ पर आपसे ओनरशिप स्टेटस ऑफ द हाउस पूछा जाएगा, ठीक है। आप इसे नहीं भी फिल करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली आप यहां पर देख सकते हैं सेव एंड कंटिन्यू। देन यहां पर आप देख सकते हैं होम फेयर प्राइस शॉप, यानी कि आपको जहां से भी राशन कार्ड उठाना है सिंपली आपको उस पर सेलेक्ट कर लेना है। देन यहां पर आप देख सकते हैं सेव का बटन आपको यहां पर मिल जाएगा, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुल यहां पर सबमिट हो जाएगा। एप्लीकेशन का सबमिट होते ही आपको अपना रेफरेंस नंबर जनरेट होकर के मिल जाएगा, जिसे आपको कॉपी करके रख लेना है। कुछ दिन के बाद आपको अपना राशन कार्ड बन करके मिल जाएगा। राशन कार्ड जैसे ही आपको बनेगा तो मोबाइल और ईमेल पर आपका मैसेज भी आ जाएगा, बाय पोस्ट आपका राशन कार्ड आपके पते पर भी पहुंच जाएगा। रेफरेंस नंबर जो आपसे मिलेगा आप उससे अपना स्टेटस यहां पर ट्रैक कर सकते हैं। स्टेटस को ट्रैक करने के लिए आप यहां पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन स्टेटस। यदि आपका कार्ड अप्रूव हो जाएगा तो अप्रूव्ड एप्लीकेशंस आपको यहां पर दिख जाएगा, पेंडिंग अप्रूवल में रहेगा, रिजेक्ट हो जाएगा, तो सारा कुछ आप यहीं पर से ही देख सकते हैं। राशन कार्ड का डिटेल निकालना है तो आप यहां से निकाल सकते हैं गेट RC डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करके। फॉर एग्जांपल यदि आपको झारखंड का, बिहार का राशन कार्ड बनाना है तो उनके स्टेट डिपार्टमेंट के पोर्टल से ही अभी वो राशन कार्ड प्रोसेस किया जाता है। इन फ्यूचर उनका भी जो पूरा काम है उठ करके इसी NFSA के पोर्टल पर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। यदि आपका राशन कार्ड बनने में, अपडेट होने में, मेंबर जुड़ने में, यानी कि राशन कार्ड से लेकर के आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करेंगे या आप हमें बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वो बना दूंगा।